गुड इवनिंग, स्वागत है आपको मेरे और नए ब्लॉग में। तो सो गाइस, इस टाइम हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग का सफ़र होने वाला ट्रेन नंबर 111-08 बुंदेलखंड में, जो कि रोज़ाना मड़ुआटी से यानी बनारस से शाम को 4:30 बजे निकलती है और दूसरे दिन सुबह 8:40 पे आप होंगे ग्वालियर। तो अभी इस टाइम टाइम कम है, तो चलिए चलते हैं अंदर, फिर वहाँ आपसे बात करें। हम लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और अपनी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। वैसे तो ट्रेन अपनी रोज़ाना प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जाती है, बट आज कुछ रेलवे के कोई अधिकारी आए हैं ना, इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे उनका सैलून है, तो इस वजह से अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर रही है। तो चलते हैं फुट ओवर ब्रिज पे। सो गाइस, फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे तो आ चुके हैं, बट लेकिन आने में बहुत ही दिक्कत हुई क्योंकि हाथ में ट्रॉली बैग है और भी एक दो सामान है ना, दिक्कत हुआ आने में। और आज बताया था सफ़र थोड़ा अजीब होने वाला है, आप लोग को भी अजीब लगेगा क्योंकि आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं सेकंड सीटिंग में यानी कि जनरल क्लास में। तो अपनी तो कोच है, हाँ D2 है, D2 में सीट नंबर है 49। तो चलिए चलते हैं अंदर और लगेज को लगते पहले लगाते हैं ठिकाने, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। ना कोच D2, हाँ D2 सीट है 49, ये देखते हैं 49। है क्या इधर 49? ये इसको ला देंगे इसके अंदर पहले। ट्रेन को खुलने में बस अप्रॉक्स 1 मिनट लेफ्ट है और सी नेक्स्ट। तो गाइस देखिए, हॉर्न भी हो चुका है अपनी ट्रेन का, 1 मिनट लेफ्ट। और एक चीज़ तो अच्छा नहीं हुआ, बताते हैं आपको क्या नहीं हुआ। अपनी ट्रेन तो हॉर्न दे चुकी है, कितना था 50? बाय बाय बनारस, फिर मिलते हैं। भाई जो ये चीज़ है ना, ये हमने एक फ्रेंड से अपने मंगवाया था, तो हुआ क्या कि अपनी ट्रेन एकदम मतलब कि ऑन टाइम यहाँ से खुलनी थी, तो उससे हम बोले थे लेके आना, तो वो थोड़ा मतलब लेट हो गया लाने में और प्लेटफॉर्म उसको समझ नहीं आ रहा था 3 नंबर प्लेटफॉर्म किधर है, और वो 8 नंबर साइड से आ रहा था ना, तो इसी वजह से लेने में दिक्कत है। मैं लास्ट एंड टाइम पे लेके आया है। गाइस ये है शायद रेलवे का सैलून, देख सकते हैं ये। जिसमें लोकोमोटिव लगा है WAP-4 गोंडा का, और अपनी ट्रेन में भी WAP-4 लगा है। हम लोग लोकोमोटिव दिखा नहीं पाए, बट नेक्स्ट हॉल पर लोकोमोटिव जरूर दिखाएंगे। और ये सामने देख सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग लाइन है बनारस में, जो कि बना है। और सो गाइस, अपनी ट्रेन बनारस से जस्ट रवाना होते ही आउटर पेन स्लो हो चुकी है। संदीम लहतारा स्कूल एंड हॉस्टल के जस्ट अभी सामने हम लोग हैं, देख सकते हैं वो है। और अब तो शाम होने वाला है, कुछ ज़्यादा दिखाने को भी नहीं बचेगा, देखते हैं क्या जो आएगा स्टेशन। इसके बाद तो शायद ट्रेन की फर्स्ट हॉल्ट आने वाली चौखंडी, फिर उसके बाद आती है भदोही,
फिर उसके बाद आती है जंघई, फिर उसके बाद फाफा माऊ। उससे पहले ट्रेन यहीं पर रुक गई, पहले यहाँ से खुलने दीजिए तब बताते हैं पूरा कहाँ कहाँ ट्रेन का स्टॉपेज है। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, जिसको अपना फ्रेंड लिखाया था क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमें मिली है, तो उस चीज़ को देखते हैं क्या है उसमें और आपको भी दिखाते हैं। गाइस कुछ इस प्रकार का है, ये देख सकते हैं, और इसको हम अभी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अभी ठंडा है तो अभी खाने मज़ा आएगा। और ये देखिए चम्मच कुछ इस प्रकार सा है अपना, स्विस रोल इसे बोलते हैं, जो कि यही हमने मंगाया था अपने फ्रेंड से, तो टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। सो गाइस जो इसका टेस्ट ना वो काफ़ी अच्छा है, एकदम जैसा लग रहा है कि किसी मार्केट वर्केट का है, बट ये घर पे बना है, तो जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो इसका ब्रेड है और जो क्रीम है ना, काफ़ी मतलब कि सॉफ्ट है, तो खाने में अच्छा लग रहा है। तो सो गाइस चलिए फटाफट फिनिश करते हैं हम, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सो गाइस ये देख सकते हैं अपनी कोच जो है ना एकदम लोकोमोटिव के पास है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक कोच है फिर उसके बाद अपनी ही कोच है। बैक साइड देख सकते हैं, इस टाइम शाम के लगभग बज रहे हैं 5, और आप लोगों को हम दिखाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा सनसेट। चलिए देखते हैं सनसेट। सो गाइस 16 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट हॉल्ट चौखंडी, जिसका स्टेशन कोड है CHH, और हम लोग की ट्रेन के यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहाँ पे लाई है 10 मिनट डिले। सोचिए पहले हॉल्ट पे ही अपनी ट्रेन 10 मिनट डिले हो चुकी है, और इस स्टेशन हम कवर करने वाले नहीं थे, हम लोग मिलने वाले थे सीधे भदोई में, लेकिन बट फर्स्ट हॉल्ट इसलिए मिल लिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि फर्स्ट हॉल्ट ही नहीं मिले। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। अभी टाइम हो रहा है रात शाम के 7 बज रहे हैं, और एक छोटा सा स्टेशन है, काफ़ी अंधेरा स्टेशन, कुछ पता नहीं चल रहा है, देख सकते हैं। किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने फोर्थ हॉल्ट जंघई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JNH, और हम लोग ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे लाई 31 मिनट डिले। और डिले होने का रीज़न ये है कि अपनी ट्रेन जब से मतलब बना से स्टेशन खुले ना, तब से हर स्टेशन पर हॉल्ट ले दी है, स्टॉपेज नहीं है तब भी। ये तो ट्रेन का फोर्थ स्टॉपेज हम बताएं आपको ना, लेकिन ट्रेन न जाने अभी तक हर स्टेशन पर हमको लगा रुकते हुए जा रही है। लोग बता रहे हैं कि प्रयागराज तक रुकते ही जाती है, फिर उसके बाद सही जाती है झांसी तक यानी ग्वालियर तक, बस कुछ ही। और ठंडी बढ़ चुकी है, शाम के 7 बज चुके हैं, और यहाँ पे 2 मिनट का बस हॉल्ट है। और यहाँ ये जंक्शन क्यों बताएं, तो यहाँ से एक लाइन जाती है प्रतापगढ़ लखनऊ की तरफ, और एक लाइन जाती है जफराबाद जौनपुर की तरफ, और एक लाइन से हम लोग जो आ रहे हैं पीछे वाराणसी की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से जाती है फाफामऊ प्रयागराज प्रयाग के तरफ। गाइस फाइनली अपनी ट्रेन जंघई से तो निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन, तेल ले जा रहा है यार, बहुत तेल लेके जा रहा है, पानी लेके चढ़ गए उधर से। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYG, और
यहाँ आने के बाद ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना उससे पहले अपनी ट्रेन एकदम मतलब कि पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रही थी। तो गाइस जो यहाँ पे भीड़ है ना अपनी ट्रेन में, वो एकदम कहने वाली भीड़ है। जैसे हम लोग सेकंड सिटिंग में जर्नी कर रहे थे तो हम लोग इधर उधर मूव हो जा रहे थे ना, तो अब वो कुछ नहीं हो पाएगा ना, ज़्यादा गेट के पास हम लोग आ जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना जो सेकंड सिटिंग का क्लास है ना वो पूरा फुल पैक होने वाला है। और बता दे तो प्रयागराज जंक्शन में ना अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स होने वाला है, तो यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकती है 25 मिनट तक। तो चलिए चलते हैं लोगों, रिवर्सल देखेंगे यानी कि डी कपलिंग देखेंगे। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बारे में बता दें तो ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1859 और इलेक्ट्रीफाइड हो गया था 1965 में। तो बनारस में हम लोग आपको लोकोमोटिव में दिखा पाए थे, तो ये देख लीजिए अपने साथ है अपना लोकोमोटिव WAP4 अरोकोड़म सेट का WAP4, जो कि हम लोग अपनी मंजिल तक लेके जा रहा है। और अब इसका यहाँ पे होने वाला है डीकपलिंग यानी कि लोको रिवर्सल, तो वो देखना है ना। चलिए देख सकते हैं आप, ट्रेन का लोकोमोटिव अपनी ट्रेन से डीकपल हो चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। ये रही अपनी बुंदेलखंड और ये रहा अपना लोकोमोटिव। पीछे देखिए रेड सिग्नल आगे लग चुका है लास्ट व्हीकल का। चाय पीजिए, चाय चाय गरम, चाय 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 कुछ हो गाइस, चाय लिए सही है। और ठंडी तो लगी रही है तो चाय पीना तो बनता है ना भाई लोग। सो गाइस हो चुका है अपनी लोकोमोटिव में डी कपल और कपल, तो अब बस यहाँ से ट्रेन रवाना होने वाली है प्रयागराज से। और प्रयागराज बता दें तो एक हिंदुओं का पवित्र स्थल भी है। और अब इसके बाद अपनी ट्रेन का आएगा स्टॉप नैनी। तो गाइस इस टाइम रात के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन। मानिकपुर जंक्शन 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 172 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है और 9:10 यहाँ टर्मिनेट होती है और 9:10 है ऑरिजिनेट। और रात में कुछ खाना पीना रहता है ना जगने के लिए। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन आई है अप्रॉक्स 10 मिनट डिले, बस ये लास्ट हॉल्ट था रात का। अब इसके बाद सोएंगे, अब सीधे सुबह आपसे मिलेंगे। रवाना भी हो चुकी है ट्रेन, फोन दे दीजिए। तो सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह बज रहे हैं 5:40 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है झांसी। हम लोग ट्रेन की टाइम थी यहाँ पे झांसी में 5:55 की, लेकिन अपनी ट्रेन 15 मिनट बिफोर पहुँच चुकी है झांसी में। तो चलिए चलते देखते हैं अराइवल अब क्या करेंगे। और सुबह सुबह की तो है नींद काफ़ी अच्छी लगी थी, बट क्या करें उतरना है तो। मानिकपुर बांदा के रास्ते
तो गाइस फाइनली हम लोग चल चुके हैं झांसी में, जैसा कि हम लोग की जर्नी थी इधर, और हम लोगों ने कैप उप लगा लिया क्योंकि ठंडी है, आपसे बताया था। और झांसी में तो थोड़ी और लग रही है। सेकंड सिटिंग में फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला नया नया, बस और कुछ नहीं, और तो नॉर्मल था। और साफ़ सफाई की बात करें तो ठीक ठाक था साफ़ सफाई। और ट्रेन की पंचुअलिटी बात करें तो ट्रेन बनारस से इलाहाबाद तक तो ठीक नहीं थी, फिर उसके बाद देखिए कवर कर ली हम लोग ट्रेन अपने 15 मिनट बिफोर ही पहुंचा दी झांसी, समझ सकते हैं ट्रेन पंचुअल है। सो गाइस बस इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप इस फैमिली के हिस्सा नहीं बने होंगे, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके इस फैमिली के बन जाइएगा हिस्सा। वही सब तक लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। I got you in my sight, I keep all the words you said to me.